दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेथ, और आज आप जानोगे डेथ रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स के बारे में विद मीनिंग। चलिए वीडियो को शुरू करें। शमशान, जहाँ पर हम मुर्दे को जलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम। नेक्स्ट है लाश, एक मरे हुए इंसान की लाश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्प्स, कॉर्प्स। नेक्स्ट है मुर्दा घर, जहाँ पर शवों को रखा जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स में जो मुर्दा घर होते हैं वहाँ पर अननोन डेड बॉडीज को रखा जाता है और फिर उनकी फैमिली से उनकी पहचान करा के उन्हें सौंप दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्ग, मॉर्ग। नेक्स्ट है आत्मा या रूह, जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसकी जो आत्मा होती है वो परमात्मा के पास चली जाती है, इंग्लिश में बोलते हैं सोल, सोल। नेक्स्ट है चिता, जब मरे हुए इंसान को जलाने के लिए उसकी चिता तैयार की जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फायर, फायर। नेक्स्ट है कब्र, मुस्लिम लोगों में जब किसी की डेथ होती है उसकी कब्र बनाई जाती है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेव, ग्रेव। नेक्स्ट है कब्रिस्तान, जहां पर मुर्दे को दफनाया जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेव यार्ड, ग्रेव यार्ड। नेक्स्ट है दफनाना, मुस्लिम धर्म में मुर्दे को दफनाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं बरी, बरी। नेक्स्ट है कफन, मुस्लिम धर्म में मुर्दे को दफनाने से पहले उसे कफन पहनाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं श्राउड, श्राउड। नेक्स्ट है अंतिम यात्रा, जब किसी की अर्थी को कंधे पर लाद कर अंतिम यात्रा के लिए चलते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट जर्नी, लास्ट जर्नी। नेक्स्ट है अंतिम संस्कार, एक मरे हुए इंसान को लास्ट बार सम्मानित करने वाले समारोह को, जिसमें दफनाना या जलाना शामिल है, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनरल, फ्यूनरल। नेक्स्ट है राख, लकड़ी को जलाने के बाद या चिता को जलाने के बाद जो उसकी राख बचती है, इंग्लिश में बोलते हैं ऐश, ऐश। नेक्स्ट है अस्थि कलश, एक कलश जिसमें कि मरे हुए इंसान की अस्थियों को रखते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अर्न, अर्न। नेक्स्ट है ताबूत, जब क्रिश्चियन धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो उसे ताबूत में रखकर दफन करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉफिन, कॉफिन। नेक्स्ट है श्रद्धांजलि, किसी की मृत्यु होने के बाद उसकी बॉडी पर फूल चढ़ाकर उसे श्रद्धांजलि देना, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट। नेक्स्ट है शव वाहन, जिसमें शव को रखकर ले जाया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं हर्स, हर्स। नेक्स्ट है दाह संस्कार, अंतिम संस्कार के बाद जब मरे हुए इंसान के शव को जलाकर राख कर दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं क्रीमेशन, क्रीमेशन। नेक्स्ट है मृत्यु या मौत, जब कोई मर जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं डेथ, डेथ। नेक्स्ट है मुर्दा, मुर्दे को इंग्लिश में बोलते हैं डेड, डेड। नेक्स्ट है कब्र में पैर लटकना, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑन डेथ बेड, ऑन डेथ बेड, मतलब कब्र में पैर लटकना। नेक्स्ट है गुजर जाना, मतलब जिसकी डेथ हो जाती है वो दुनिया से गुजर जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं पास्ड अवे, पास्ड अवे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला हो। तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।